जय हिंद जय श्री राम मित्रों, आज का ये प्लान बहुत ही उपयोगी होने वाला है क्योंकि 36x36 के छोटे से एरिया में एक शानदार प्लान आपको दिया जा रहा है। जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसका जो भी नया घर बन रहा है वो सुख समृद्धि से उसमें निवास करें, उसके बच्चे उस घर में अच्छी ग्रोथ करें, आने वाली पीढ़ियां भी संपन्न बनी रहे, तो वास्तु का ध्यान में रखकर ही वो व्यक्ति निर्माण करता है। तो कैसे आप अपने छोटे से घर का निर्माण पूर्ण वास्तु अनुरूप कर सकते हैं आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखिए दिशा, आपकी दिशा सही होनी बहुत जरूरी है, तभी जीवन की दशा सही होगी। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो प्लाट है उसके मिड में यानी बीच में खड़ा होना है, रोड की तरफ फेस करना है और देखना है कि कितने डिग्री पर आपकी दिशा, कौन सी दिशा आ रही है। ये जो प्लान है ये पश्चिम मुखी यानी कि वेस्ट फेसिंग घर के लिए। वेस्ट दिशा किसकी होती है? शनि देव की दिशा होती है। अगर ऐसा घर पूर्ण वास्तु अनुरूप बने तो घर के अंदर धन धान्य सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। शनि किसके देवता है? न्याय के देवता है। अगर आपका घर वास्तु अनुरूप बना रहेगा, आप सदमार्ग पर चलेंगे तो ये घर बहुत अच्छी ग्रोथ आपको करवाएगा। सबसे पहले आगे हमने जो फ्रंट लिया है वो 36x36 फीट लिया है मित्रों, और बैक साइड भी 36 फीट लिए। हमेशा चौड़ाई और लंबाई बराबर रखें, इस ध्यान रखें। कैसे मतलब 36 फीट बैक साइड ली है तो 36 ही आगे लें। इस प्लाट में 36 फीट हमने इधर से लिए, 36 फीट इधर। अगर आप लंबाई 40-45-50 ले रहे हैं तो इधर भी आपको 40-45-50 ही लेनी है। यहां तक आप समझ गए। उसके बाद में आपको निकालनी है कि दिशाएं कौन सी कहां पर आ रही है। ये एकदम 100% आपका पश्चिम मुखी घर है, इसलिए बैक साइड में पूर्व दिशा आएगी, इस कॉर्नर में अग्नि कॉर्नर आएगा, यहां दक्षिण दिशा आएगी, ये नर्तकीय कॉर्नर है घर के मुखिया का, ये वायु कॉर्नर है वायु देवता का, ये उत्तर दिशा कुबेर देव की, ये ईशान कोण है गुरुदेव का। तो ये जो आपका घर बनेगा बहुत ही सुंदर और प्यारा बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए आपको मुख्य द्वार देना है वास्तु अनुरूप सही पद पर। कभी भी भूलकर नर्तकीय के इस कॉर्नर में अपने घर का मुख्य द्वार ना दे दें, ये बहुत ज्यादा अशुभ होता है। तो आपका मेन डोर लगेगा तीसरे चौथे पद पर। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक पूरा एक ओपन स्पेस आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जिनके कमेंट के आधार पर यह नक्शा बनाया जा रहा है उन्होंने कहा सर हमारे उत्तर दिशा में अदर प्रॉपर्टी है, लेकिन वास्तु क्या कहता है कि वास्तु कहता है कि आपको उत्तर दिशा खोल के रखनी चाहिए। अगर आपका बड़ा प्लॉट है, ईशान उत्तर वायु कॉर्नर आपका खुला है तो घर के अंदर ग्रोथ अच्छी होगी। उत्तर दिशा किसकी होती है मित्रों? उत्तर दिशा धन की होती है। उत्तर दिशा आपके जॉब रिलेटेड इश्यूज की होती है, धन की होती है, आपकी आमदनी की दिशा होती है। अगर ये खुली है, इसका वास्तु सही है, इधर खिड़की दरवाजे ज्यादा से ज्यादा हैं तो आपके घर में धन अच्छा आएगा। तो यहां पर हमने एक बड़ी सारी गैलरी दे दी है जिससे उत्तर दिशा खुल गई है। ये जो आप ग्रीन पॉइंट देख रहे हैं यहां पर आपको तुलसी के अपराजिता के जो वास्तु अनुरूप सही पौधे हैं वो लगाने हैं, तो यहां पर आपको मार्क कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा। एक तो ईशान कॉर्नर खुल रहा है, उत्तर दिशा वायु कॉर्नर खुल रहा है। फिर हम अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर आप देख रहे हैं ये अंदर जाने का पूरा लॉबी एरिया है। इसके राइट में आप राइट हैंड की तरफ प्रवेश करेंगे, यहां पर एक कमरा है, इसके ठीक इधर यानी दो कमरे आपको सामने फ्रंट में मिल रहे हैं। एक कमरा घर के मुखिया का हो जाएगा जिसकी एक विंडो इधर एक विंडो इस साइड की रोड में खुलेगी, और ये जो कमरा है ये आपके ड्राइंग रूम यानी कि घर की बैठक हो जाएगी। दो विंडो इसमें प्रॉपर आप खिड़कियां दें, ठीक है। अब ये जो ड्राइंग रूम है यानी कि गेस्ट के बैठने का है तो उसमें आपको पता है बाहर भी दरवाजा देना पड़ता है और अंदर भी रखना पड़ता है, तो दोनों दरवाजे आपके प्रॉपर वास्तु अनुरूप रखे गए हैं। उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे जहां स्वास्तिक है, ये मित्रों आपके ब्रह्म का स्थान है यानी कि ब्रह्म स्थान आकाश तत्व है, तो ये पूरा एक लिविंग हॉल बन जाएगा, बहुत बड़ा शानदार बनेगा। एक विंडो प्रॉपर उत्तर दिशा में देखिए खाली जमीन छोड़ी है तो एक विंडो भी निकल गई, इस रूम की भी विंडो निकल गई, तो बहुत अच्छा आपके घर का वेंटिलेशन रहेगा। देखिए नेचुरल जो आपकी जो नेचुरल एयर होती है यानी कि नेचुरल हवा और प्राकृतिक प्रकाश घर में आना बहुत जरूरी होता है, तभी आपके वास्तु अनुरूप जो बेनिफिट्स होने हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका पूरा लिविंग एरिया रहेगा। इधर आप प्रवेश करेंगे कॉमन लेटरिंग बाथरूम अंदर का दे दिया है, बैक साइड में वेंटिलेशन विंडो है, यहां पर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है। फिर देखिए क्लॉक वाइज आपकी, क्लॉक का मतलब होता है जैसे घड़ी घूमती है वैसे सीढ़ी घूमनी चाहिए। सीढ़ियां क्या होती है? आपकी ग्रोथ का सूचक होती है, बच्चों की उन्नति का सूचक होती है। सही जगह पर सीढ़ी है बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी, तो सीढ़ी क्लॉक वाइज दी गई है, ठीक है। कौन सी दीवार पर दी गई? दक्षिण की दीवार पर। ये दीवार भारी रहना बहुत शुभ माना गया है, तो यहां पर आपकी सीढ़ी बननी चाहिए। अब सामने प्रवेश करेंगे तो देखिए पूजा घर दिया गया है ठीक सामने।
पूजा घर आपके एकदम ठीक पूर्व दिशा में दिया गया, कभी भी अग्नि कॉर्नर में पूजा घर ना दें, ये बहुत दुर्घटनाएं बीमारियां लेके आता है, तो कभी भी अग्नि कॉर्नर में पूजा घर ना दें। पूजा घर देखिए पूर्व में दे सकते हैं, ईशान में दे सकते हैं, यहां तक हाफ उत्तर में दे सकते हैं, ठीक है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, इस साइड में आपके पूर्वी ईशान में, यानी कि यहां पर आपके एक रूम दिया गया है जिसकी विंडो भी इस ओपन स्पेस में उत्तर वाली में निकल गई, तो प्रॉपर अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। तो टोटल देखिए एक कमरा, दो कमरे, तीन कमरे हैं, बड़ा सारा हॉल है। इसको आप देखिए, कॉमन एक लेटरिन बाथरूम है, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है, सामने पूजा घर का स्थान है। अब इधर प्रवेश करेंगे, आगन्य कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर पड़ रहा है मित्रों। तो यहां पर क्या होना चाहिए, आपने हमारे पीछे के वीडियो देखे तो आपको पता है, आगन्य कॉर्नर में हमारा किचन होना चाहिए, रसोई घर, जिसकी वेंटिलेशन विंडो हमने इस तरफ दी है। प्रॉपर अच्छा वेंटिलेशन रहेगा घर का, शानदार घर बनेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई घर बना रहा है तो बहुत ही गजब घर बनता है, क्योंकि देखिए उनके पास पर्याप्त भूमि होती है। अगर आपका बड़ा प्लॉट है और आप कम एरिया में घर बना रहे हैं तो पर्याप्त भूमि होती है और बहुत अच्छा घर बन जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एक शानदार घर बना सकते हैं। प्रॉपर वास्तु को ध्यान में रखें, चाहे एक ही कमरा बनाएं लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएं, क्योंकि देखिए घर बार बार नहीं बनता है। अगर वास्तु अनुरूप आप एक कमरा बनाकर ही जा रहे हैं तो 100% आपको जीवन के अंदर उन्नति देखने को मिलेगी, पैसा टिकेगा, बच्चे भी आपके सही मार्ग पर रहेंगे और घर में मेन है सुकून रहेगा, शांति रहेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।